एक छोटा सा थ्योरम है हमारे पास, द नंबर ई इज इरेशनल। हमने प्रूव करना है कि ई इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये ई जो नंबर है ये है क्या। तो हमें तो पता ही नहीं था कि ई किसके बराबर है। हमारे पास तो थी सर एक सीरीज, एक इन्फिनिट सीरीज। कौन सी वाली इन्फिनिट सीरीज? ये वाली, एन फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी वन ओवर एन फैक्टोरियल, राइट जी। ये एक सीरीज थी जो कि किसके बराबर बनती है, ज़ीरो का फैक्टोरियल वन होता है, वन ओवर वन वन, प्लस नेक्स्ट टर्म वन का फैक्टोरियल भी चूँकि वन होता है तो वन ओवर वन अगेन वन, ठीक है जी, प्लस फिर वन ओवर टू फैक्टोरियल, वन ओवर थ्री फैक्टोरियल, प्लस अप टू सो, राइट जी। तो ये बेसिकली एक सीरीज है, एक इन्फिनिट सीरीज है। हमें नहीं पता कि ये सीरीज फिलहाल कन्वर्ज कर रही है कि नहीं कन्वर्ज कर रही। तो ये चेक करने के लिए हम इस पर लगाते हैं बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है जी। तो इस बात को जानते हुए कि 2 की पावर n हमेशा छोटा होता है n के फैक्टोरियल से, जब जब n बड़ा या बराबर हो किसके, 4 से, पता है ना इस बात का आपको, आप चेक भी कर सकते हैं। तो 1 ओवर 2 रेस टू n विल बी बिगर देन 1 ओवर n फैक्टोरियल। अगर आप रेसिप्रोकल ले लेंगे तो स्टोरी उलट हो जाएगी, n बिगर इक्वल टू 4, राइट जी। अब आप, ये भी एक आपके पास सीरीज है और ये भी एक सीरीज है, राइट जी। तो ये सीरीज बड़ी है इससे, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। इसको अगर आप देखें तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका कॉमन रेशो कितना है, 1/2, जो कि लेस देन 1 है। तो ये जो सीरीज है क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। बड़ी सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो छोटी सीरीज भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। यानी हमने बेसिक कंपैरिजन टेस्ट लगाकर ये साबित कर लिया कि ये जो सीरीज है समेशन एन फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी वन ओवर एन फैक्टोरियल, ये सीरीज क्या है जी, कन्वर्जेंट है, राइट जी। और अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब ये कि इसकी इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स का सम निकलेगा, राइट। इन अदर वर्ड्स सीरीज की कन्वर्जेंस का यही मतलब होता है। तो जब वो निकलेगा हमें पता चल गया कि इसकी एग्जिस्टेंस है, लेकिन नहीं निकाल पाएगी ये किसके बराबर होता है, ठीक है जी। अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है इसका आंसर 2.7172 समथिंग आना है, लेकिन ये नंबर रैशनल है कि इरेशनल है इस बात का हमें नहीं पता था। और ये हमने प्रूव करना है आज कि ये जो नंबर है ये बेसिकली एक इरेशनल नंबर है, इसी को हमने ई का नाम दिया हुआ, राइट जी। ई दरअसल इस सीरीज का सम है इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स का, क्योंकि हमने ये प्रूव कर लिया हुआ है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट की हेल्प से कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है, राइट जी। तो लेट करें कि ये जो सीरीज है इट कन्वर्जेस टू, जो नंबर जिस नंबर को इसने कन्वर्ज करना है वो ई है, राइट जी। तो ई ही दरअसल इसकी इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स का सम है, राइट जी। तो अब आप यहां से स्टोरी शुरू कर दें। तो ई क्या है जी, ई बेसिकली एन फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी वन ओवर एन का फैक्टोरियल है, जिसे आप लिख सकते हैं वन प्लस, बल्कि ऐसे लिख लें, वन ओवर ज़ीरो फैक्टोरियल प्लस वन ओवर वन फैक्टोरियल प्लस वन ओवर टू फैक्टोरियल प्लस वन ओवर थ्री फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन, राइट जी। बल्कि अगर आप इसे मज़ीद एक्सटेंड करें तो अप टू सोन प्लस वन ओवर के फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन, ये दरअसल ये है, ठीक है जी। हमने इस नंबर को प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। कैसे प्रूव करेंगे, हम सपोज हम कॉन्ट्रेरी कर लेते हैं कि ये रैशनल नंबर है, रैशनल है तो पी ओवर क्यू के बराबर होगा, है ना। जहाँ पर पी और क्यू क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, क्यू जीरो नहीं होगा। और ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि पी और क्यू का जी सी डी कितना है, वन है, राइट जी। यहाँ पर P और Q कोई से भी इंटीजर हो सकते हैं, जीरो के अलावा नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि पॉजिटिव नंबरों का सम है या पॉजिटिव ही होना है, तो वी आर श्योर कि P और Q क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, राइट जी। तो P और Q जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो Q की जो रेंज है वो 1
टू थ्री अप टू सेवन कोई भी इनमें से नंबर हो सकता है। ये बात बहरहाल यहाँ पर रिज्यूम करने की जरूरत नहीं है, मेरा ख्याल है कि पी और क्यू का जी सी डी वन है, इसको हम रहने देते हैं। तो नाउ क्या बन जाएगा सर, अब ई पी और क्यू के बराबर है, तो पी ओवर क्यू दरअसल बराबर हो गया किसके, वन ओवर जीरो फैक्टोरियल प्लस वन ओवर वन फैक्टोरियल प्लस वन ओवर टू फैक्टोरियल प्लस वन ओवर थ्री फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। अच्छा, मैं इसको क्यू भी तो एक नेचुरल नंबर ही है ना, तो वन ओवर क्यू फैक्टोरियल तक लिख लेता हूँ, राइट। बल्कि ऐसा करता हूँ, वन ओवर क्यू माइनस वन का फैक्टोरियल, नेक्स्ट वन ओवर क्यू फैक्टोरियल होगा, राइट जी। नेक्स्ट क्या होगा, वन ओवर क्यू प्लस वन का फैक्टोरियल। सर नेक्स्ट क्या होगा, वन ओवर क्यू प्लस टू का फैक्टोरियल और अप टू सो ऑन, राइट जी। तो हमने ई को रैशनल माना, तो ये पी ओवर क्यू के बराबर होगा, तो इसको लिख दिया, ये एक इक्वेशन है। अब आप इसके दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, किससे, क्यू के फैक्टोरियल के साथ। किससे मल्टीप्लाई कर दें जी, क्यू के फैक्टोरियल के साथ। चलें जी, क्यू फैक्टोरियल, इधर पी ओवर क्यू आ गया, इधर क्यू के फैक्टोरियल से आपने मल्टीप्लाई करना है वन ओवर जीरो फैक्टोरियल प्लस वन ओवर वन फैक्टोरियल प्लस वन ओवर टू फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन प्लस वन ओवर क्यू माइनस वन का फैक्टोरियल प्लस वन ओवर क्यू का फैक्टोरियल। तो सर इन टर्म्स के साथ मैं क्यू के फैक्टोरियल को लहदा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और बाकी करना तो मैंने क्यू के फैक्टोरियल को सबके साथ मल्टीप्लाई है, लेकिन बाकी जो बचते हैं, जो टर्म्स बचती हैं, उनके साथ मैं सेपरेट डील कर रहा हूँ, क्यू के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वन ओवर क्यू प्लस वन का फैक्टोरियल आएगा प्लस वन ओवर क्यू प्लस टू का फैक्टोरियल, फिर वन ओवर क्यू प्लस थ्री का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, ये चीज़ बच जाएगी आपके पास, राइट जी। तो सर मसले को नहीं, ये देखें क्यू का फैक्टोरियल है, आप इसे लिख सकते हैं क्यू इंटू क्यू माइनस वन का फैक्टोरियल, ताकि क्यू क्यू से कट जाए। तो ये नंबर किसके बराबर बच जाएगा जी, ये बच जाएगा जी आपके पास क्यू माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू पी लेफ्ट साइड पर। और मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि क्यू कम अज़ कम वन है, ठीक है जी। तो वन भी अगर यहाँ पर रखें तो वन माइनस वन क्या बनता है, जीरो, जीरो का फैक्टोरियल वन होता है, ठीक है जी। अगर क्यू वन से छोटा होता तो फिर मैं ये काम नहीं कर सकता था, सो वी कैन डू इट, ओके। सो यहाँ पर देखें क्यू का फैक्टोरियल इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, क्यू का फैक्टोरियल सीधा सीधा क्यू का फैक्टोरियल, राइट जी। क्यू का फैक्टोरियल प्लस क्यू के फैक्टोरियल को सर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपको क्यू का फैक्टोरियल ही आंसर देगा, है ना। क्यू के फैक्टोरियल को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा, ऊपर क्यू का फैक्टोरियल है नीचे टू का फैक्टोरियल है, क्या आंसर आएगा, एक इंटीजर ही आएगा, क्योंकि एक्चुअली हमने मैं क्यू को यहाँ तक एक्सटेंड करके लेके गया हूँ ना, ठीक है जी। तो इट मीन्स के इस वक्त जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से जो टू है वो क्यू से छोटा है, तो इसका आंसर क्यू इससे जब मल्टीप्लाई करूँगा इसका आंसर वन आना है, राइट जी। तो इसका आंसर वन से बड़ा होगा, ये सारे इंटीजर्स ही होंगे, यानी इन तमाम टर्म्स को मैं जब क्यू के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्टीमेटली मेरे पास आंसर क्या आना है, एक इंटीजर ही आना है, राइट जी। तो यहाँ पर क्या बचना है, क्यू फैक्टोरियल ओवर टू फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन प्लस क्यू फैक्टोरियल, जैसा कि इससे मल्टीप्लाई करने से क्या आना है, क्यू के फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे क्यू इंटू क्यू माइनस वन का फैक्टोरियल, वो कट जाएगा क्यू बच जाएगा, यानी आप यहाँ पर सिंपली क्यू भी लिख सकते हैं, है ना, और यहाँ पर सिंपली वन भी लिख सकते हैं। तो ये सारा इंटीजर है ना इंटीजर। तो बाकी क्या बचा सर, यहाँ से अब ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, क्यू के फैक्टोरियल को वन ओवर क्यू प्लस वन के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना, तो क्यू प्लस वन इंटू क्यू फैक्टोरियल बन गया, क्यू फैक्टोरियल कट जाएगा, वन ओवर क्यू प्लस वन बच जाएगा, क्या बच जाएगा सर, यहाँ पर वन ओवर क्यू प्लस वन प्लस इस तरह, ये नंबर क्या बन जाएगा, क्यू प्लस टू इंटू क्यू प्लस वन इंटू क्यू फैक्टोरियल, तो क्यू फैक्टोरियल कट जाएगा तो क्या बचेगा, वन ओवर क्यू प्लस वन इंटू क्यू प्लस टू, राइट।
इस तरह जो नेक्स्ट नंबर है ये इसमें तीन टर्म्स होंगी, क्यू प्लस वन, क्यू प्लस टू और क्यू प्लस थ्री प्लस अप टू सोन, राइट जी। तो मैंने अब करना क्या है, ये साफ नजर आ रहा है कि एक इंटीजर है ना इंटीजर, ये देखें ये भी सारा इंटीजर है, मैं आपको बता चुका हूँ क्यू फैक्टोरियल, क्यू फैक्टोरियल ये भी इंटीजर होगा, अप टू सोन क्यू प्लस वन ये सारा इंटीजर होगा। जो ये सारा इंटीजर हमें नहीं दे रहा था मैंने उनको दरअसल अलग कर लिया हुआ, तो ये तो इंटीजर ही है। इसको जब मैं दूसरी तरफ भेजूंगा लेफ्ट साइड पर, इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा दो इंटीजरों का डिफरेंस, भी इंटीजर ही होगा, इंटीजर ही होगा ना सर। तो इसका ये मतलब होगा कि वन ओवर क्यू प्लस वन प्लस वन ओवर क्यू प्लस वन इंटू क्यू प्लस टू अप टू सोन ये सारे नंबर्स का जो सम है ये दरअसल ये क्या है, इंटीजर्स। सो बीइंग द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इट मस्ट बी एन इंटीजर, राइट जी। जी तो सर लिख लेते हैं इस बात को, मैंने आपको बताया दरअसल ये है कि ये नंबर क्या है, इंटीजर है ना। ये वाला जो नंबर है ये नंबर क्या होगा, ये भी इंटीजर है, राइट। इस नंबर को आप इधर भेज देंगे दो इंटीजरों का डिफरेंस, वो भी इंटीजर होगा। तो मैंने दरअसल ये प्रूव कर लिया कि ये वाला जो नंबर है ये भी क्या है, एक इंटीजर है, राइट जी। तो इम्प्लाइज क्या लिखूंगा, वन ओवर क्यू प्लस वन प्लस वन ओवर क्यू प्लस वन इंटू क्यू प्लस टू प्लस वन ओवर क्यू प्लस वन इंटू क्यू प्लस टू इंटू क्यू प्लस थ्री प्लस अप टू सोन। जी जनाब ये सारा नंबर क्या है, दरअसल एक इंटीजर है, ठीक है, ये नंबर एक इंटीजर है। चलें अब ये नंबर एक इंटीजर तो है, तो ये नंबर जीरो भी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जाहिर है पॉजिटिव नंबरों का सम पॉजिटिव है ना, तो इंटीजर तो है लेकिन ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये जीरो भी नहीं हो सकता, ये नेगेटिव भी नहीं हो सकता, ये रहना पॉजिटिव इंटीजर ही है ना सर। तो मैंने ये प्रूव किया कि ये तमाम नंबरों का सम क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, राइट जी। तो अब आप देख सकते हैं इसको, इसको दोबारा कंसिडर करते हैं, इसको लेट करते हैं, वन ओवर क्यू प्लस वन प्लस वन ओवर क्यू प्लस वन इंटू क्यू प्लस टू प्लस वन ओवर क्यू प्लस वन इंटू क्यू प्लस टू इंटू क्यू प्लस थ्री प्लस अप टू सोन। सर ये नंबर इंटीजर है तो मान लीजिए कि एन के बराबर है, बल्कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। तो लिख सकते हैं यहाँ पर वेयर एन क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, राइट जी। तो सर अब हमने इसको गौर से देखना है, हम पहले बात कर चुके हुए थे जो क्यू नंबर है ये कम से कम क्या है, वन, वन या वन से बड़ा होगा। अब इस वक्त जो मैंने लिखा होगा तो वो तो बड़ा ही लग रहा है, लेकिन ये कुछ जरूरी नहीं होता, अगर क्यू फर्ज कर ले वन भी है तो उसका मतलब ये है कि ये जो सम है यहाँ तक है, अगर क्यू टू के बराबर है तो मतलब ये सम यहाँ तक है, अगर क्यू टेन के बराबर है तो मतलब ये मैक्सिमम यहां तक जो मैंने नंबर लिया वन ओवर टेन का फैक्टोरियल लिया होगा, राइट जी। तो इस चीज को आप बखूबी समझ सकते हैं, बहरहाल क्यू की जो स्टार्टिंग वैल्यू वो वन है, वन ये वन से बड़ा है ना, पॉजिटिव इंटीजर है ना ये। तो अगर मैं सबसे छोटा नंबर फर्ज कर लें क्यू वन नहीं है, क्यू फिफ्टीन है, तो मैं यहां पर फिफ्टीन को हटाकर वन पुट करने जा रहा हूं, ऐसा करने से होगा क्या, होगा ये कि डिनोमिनेटर वाला नंबर छोटा हो जाएगा, और सर अगर डिनोमिनेटर वाला नंबर छोटा हो जाएगा तो फिर इसका मतलब ये है कि जो कोशेंट है ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है जी। तो मैं अगर q की जगह 1 पुट कर देता हूं जो कि स्टार्टिंग वैल्यू है, ठीक है जी, q भी क्या था, पॉजिटिव इंटीजर था, तो q की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 अप टू 7 कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है जी। तो मैं इनमें से अगर सबसे छोटा वाला ले लूं यहां पर तो 1 प्लस 1 क्या बनेगा, 2, ठीक है जी, ये नंबर छोटा हो जाएगा डिनोमिनेटर वाला, तो क्वेश्चन दरअसल बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना सर जी। इस तरह यहां पर मैं क्यू की जगह मान लिया हुआ तो यहां पर क्या बन जाएगा, 2, यहां पर क्या बन जाएगा, 3, अच्छा मैं 3 से भी छोटा ले लेता हूं 2 ले लेता हूं, तो ये नंबर होगा क्या, और बढ़ जाएगा। तो क्यू की जगह 1 पुट करने से होगा क्या, इन पर्टिकुलर क्यू की वैल्यू 1 लेने से हमारे पास क्या बन जाएगा सर, वी गेट, होगा ये
कि 1 ओवर 2 यहां बन जाएगा, सर यहां पर क्या बन जाएगा, 1 ओवर 2 इंटू 3, यहां पर 1 ओवर 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस अप टू सोन, ठीक है जी। तो ऐसा करने से मैं क्या कर रहा हूं, मैंने हर ये नंबर छोटे नंबर से इनकी जगह मैंने ये जो नंबर है बड़े लिख दिए। अब ये नंबर बढ़ गया, इन सब का सम n के बराबर था, अब ये बढ़ गया तो इसका क्या मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये n से बढ़ गई, राइट जी। ये वैल्यू क्या हो गई, अब ये वैल्यू n से बढ़ गई, n क्या है, n एक पॉजिटिव इंटीजर, राइट जी। तो अभी देखें, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये 3 है, बड़ा नंबर है, मैं 3 की जगह भी 2 पुट कर देता हूं, होगा क्या, सर ये नंबर और बढ़ जाएगा, 3 की जगह भी 2 पुट कर देता हूं, यहां पर 4 की जगह भी 2 पुट कर दूंगा, होगा क्या, ये नंबर और बढ़ जाएगा भाई, बढ़ जाएगा ना मजीद। तो क्या होगा, 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 इंटू 2 प्लस 1 ओवर 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसा करने से ये नंबर n से मजीद बढ़ जाना, बढ़ जाना ना सर। तो अब आप इसको गौर से देखें, ये 1 ओवर 2 है, ये 1 ओवर 2 का स्क्वायर है, ये 1 ओवर 2 की पावर 3 है प्लस अप टू सोन है, और ये नंबर n से बढ़ गया, राइट जी। यहां पर देखें तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है जी, जिसकी फर्स्ट टर्म 1 ओवर 2 है, जिसका कॉमन रेशियो भी 1 ओवर 2 है, और 1 ओवर 2 का जो मॉड है 1 ओवर 2 वो लेस देन 1 है, यानी इस इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम एग्जिस्ट करता है, और वो किसके बराबर है सर, सर किसके बराबर है, वो बराबर है a ओवर 1 माइनस r के, राइट जी, एंड इट इज बिगर देन n, ठीक है जी। लिख लेते हैं इस बात को, यहां पर क्या है भला, इट्स अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीरीज विद फर्स्ट टर्म 1/2 है, कॉमन रेशियो भी 1/2 है, और ये 1 से छोटा नंबर है, तो इसका मतलब ये कि इसकी इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स का जो सम है वो a ओवर 1 माइनस r होता है, हमने इस बात का इस्तेमाल कर लिया। सर अब क्या करेंगे, a की जगह 1/2 पुट कर देते हैं, 1 माइनस r की जगह भी 1/2, ये बिगर देन n, सर इसको फर्दर सॉल्व करें, 1/2 ऊपर है, 1 माइनस 1/2 भी 1/2 होता है, राइट जी। तो 1/2 को 1/2 पे डिवाइड करके आंसर क्या आ जाना है, 1। तो इसका मतलब ये है कि 1 इज बिगर देन n। अब हमारे पास आ क्या गया है, 1 इज बिगर देन n, जहां पर n था क्या, n था एक पॉजिटिव इंटीजर। लीजिए पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। सर अगर मैं 1 भी लूं तो 1 1 से बड़ा है क्या, नो। अगर मैं 2 लूं तो क्या 1 2 से बड़ा है, नो। अगर मैं 3 भी लूं तो 1 3 से बड़ा है, नो। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए 1 कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता। क्या हो गया, कंट्राडिक्शन आ गई भाई साहब, क्या आ गई जी, कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन आ गई, 1 कभी भी n से नहीं बढ़ सकता क्योंकि n एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका मतलब ये कि हमारी जो सपोजिशन थी वो गलत थी। सपोज हमने क्या किया हुआ था कि जो नंबर e था वो रैशनल था, गलत हो गया जी, तो क्या होगा जी, e इरेशनल नंबर हो गया।